अच्छा हमें तो 4:30 का टाइम दिया था, अभी क्या टाइम हो रहा है? 4:30 अभी टाइम क्या है? मेहमानों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आ जाए, आप कर लें। आप दोस्तों का आने का तजरीबावरी का बहुत शुक्रिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पाकिस्तान के मरकजी क़यादत जनाब खालिद महबूब सिद्दीकी साहब और मोहतरमा किशोर ज़ोहरा साहिबा और इनकी तीसरी सारे कायदीन आज आए, तो इनको हम बलूचिस्तान की सरजमीन पे आने पे सबसे पहले इनको खुश आमदेद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारे पास तशरीफ़ लाए और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के बानी रहनुमा सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की रहलत पे इन्होंने ताज़ियत की, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो उनसे कुछ दवाएँ थे, कुछ सियासी मुश्तरक मामला थे, मसाइल थे, उन पर बात भी हुई और कुछ मामला पे हमारी इत्तेफाक की राय हुआ और इत्तेफाक किया गया, उनसे हमारा इत्तेफाक हुआ कि हम जो मुश्तरक हमारे मसाइल हैं और सियासी मसाइल हैं, कानून साजी के हैं या आने वाले वक्तों में हुकूमत की तब्दीली की बात हैं, उस पर रबता जारी रखने पर हमने इत्तेफाक किया और हमारे मेहमाना ने ग्रामी खड़े हैं, तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपसे चार बातें। मौजूद साहब के हजरात, कैमरा मैन, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आपको पता ही है कि कल एक कोयटा के अंदर कन्वेंशन है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, उसके सिलसिले में आए थे तो दोस्तों से मुलाकात भी रही और यहाँ आने का एक मकसद खुद इस फातिया के लिए अख्तर मेंगल साहब के घर पर आना था। हमारे दरमियान बड़े पुराने और देरीना ताल्लुकात रहे हैं और अताउल्लाह मेंगल साहब से मेरी बड़ी मुलाकातें रही हैं, तो हम थोड़ी ताखिर से आए हैं, उसके लिए हमने माजरत भी की इनसे। तो आज जब आए हैं और फातिहा हुई है तो फिर मौजूदा हालात पर भी बात हुई है। हम सब बड़े मोहतात होकर मौजूदा हालात को देख रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को चेहरों की तब्दीली से ज़्यादा वाला तब्दीली की ज़रूरत है, वादों से ज़्यादा वाली किसी तब्दीली की ज़रूरत है। तो उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मज़लूम कौमियतों के इत्तेहाद की भी बड़ी ज़रूरत है। वो लोग जो एक तरह के मसाइल का शिकार हैं, एक तरह के मामलात का शिकार हैं, जिन पे ऐलानिया गैर ऐलानिया की पाबंदियाँ हैं, उनके दरमियान भी ज़हनी आहमंगी का होना ज़रूरी है, उनके दरमियान भी राबतों और ज़ाब्तों का बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो आज तो इसी कदर हुआ है क्योंकि बुनियादी तौर पर हम आए ही इस फातिहा पढ़ने थे और इंशाल्लाह अब हम दावत दिए इनको, ये कराची आएंगे तो बात बढ़ेगी और हमारे दरमियान बात बढ़ेगी तो हम उस जबर को आप भी सामना कर पाएंगे, उन पाबंदियों का भी सामना कर पाएंगे, उन रवैयों का भी सामना कर पाएंगे। और हमारा रास्ता जो है हमने तय भी किया है कि अदालतों और ऐवानों के ज़रिए होगा और यही महजब कौमों का तरीका और सलीका है। तो इंशाल्लाह ताला बड़े फैसलों के लिए बड़े बैठेंगे और कोई ना कोई राह निकालेंगे। अच्छा खालिद साहब, ये है कि बीजेपी भी पहले हुकूमत के साथ खासकर बीजेपी का जब उन्होंने ज्यादा समझदार है, ज्यादा समझदार है, आप लोगों ने समझाया अभी तरीका जब एतमाद भी सर पर आ गया। देखिए अदम एतमाद तो होना चाहिए इस निज़ाम पर हुकूमतों के बजाय। तो हमारे भी बहुत सारे मसाइल हैं जो ये हुकूमत अगर 3-3.5 साल हुकूमत में रहकर हमारे 125 कारकुन लापता हों तो हमसे भी कोई सवाल कर सकता है कि हुकूमत में रहने का क्या जवाब है। अगर हुकूमत में और वजारत में रहने के बावजूद हमारे तमाम दफातर जो कि मुनद्दम कर दिए गए हैं या सील हैं वो अभी तक हमारे पास वापस ना आए तो इस सियासी पाबंदियों के लिए हमसे कोई भी सवाल कर सकता है। तो हमने जिस वक्त और सिर्फ इस दफ़ा नहीं 88 में बेनज़ीर साहबा के मौके पे भी हमने ज़्यादा एहसास ज़िम्मेदारी दिखाया था। हमें इस दफ़ा सूट करता था कि जो कुछ 18 के इलेक्शन में हमारे साथ हुआ है कि हम
अपोजिशन का रास्ता अपनाए, लेकिन हमें पता था कि हमने अपने लिए फैसला किया तो पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं, जमहूरियत भी खतरे में थी, तो जमहूरियत के बचाने के लिए हमने अपना रोल अदा किया, अपना फ़र्ज पूरा किया है। अब जमहूरियत का और हुकूमत का की बारी है, और सिर्फ हमारी नहीं, जहां जहां पर किसी भी वजह से सियासी आज़ादी नहीं है, जहां जहां पर भी लोगों के साथ बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जहां जहां भी हमारे वसाइल के हवाले से एहतजाजी आवाज़ें मौजूद हैं, उनको सुना जाना ज़रूरी है, और ये आवाज़ मिलके बोलेंगी तो सुनना पड़ेगा। आप हुकूमत में हैं, बीएनपी ऑपोजिशन में है, क्या आप इनको मनाने के लिए आए या इन्होंने आपको मनाया है, दोनों में से क्या हुआ? जी हम तो किसी को मनाने नहीं, हमें हमारे दुख तो आप देखें एक ही तरह के हैं, इनके भी लोग लापता हैं, हमारे भी लोग लापता हैं, और इससे ज़्यादा कोई बड़ा जो लोग जानते हैं कि लापता अफराद के बाद आप वो ख़ानदान और वो सियासी जमातें जिनसे उनके वो कारकुन होते थे, उन पर कितना प्रेशर होता है, कितना दुख होता है, तो ये हमारे दरमियान दुख और दर्द की बड़ी मुश्तरका दास्तानें और राय हैं, और दर्द का ये रिश्ता मजबूत तरीन रिश्ता बनता है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस रिश्ते को और रिश्ते को बरकरार रखेंगे। मुमकिन तब्दीली के इम्कान हैं, 80 अपोजिशन अरकान के दस्तखत भी सरकारी इत्मीनान पर मौजूद है, इस मौके पर एमक्यूएम पाकिस्तान क्या मौका बताएगी? देखिए, ना किसी को ब्लैकमेल करेंगे, ना अपॉर्चुनिस्ट बनेंगे, उसूलों को सामना रख के फैसला करेंगे, अभी बहुत दिन बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। انا دادم كشجاع